माना कि लाइफ का फलसफा है कभी खुशी कभी गम, कभी प्रॉब्लम्स तो कभी प्रॉब्लम्स का समाधान, और मीत की लाइफ में कुछ ऐसा ही हो रहा है। एज इन द दुल्हन मीत, द वाइफ मीत। अब एक तरफ तो हस्बैंड मीत जो है अपनी वाइफ मीत को एक्यूज कर रहे हैं कि ये जो सारी प्रॉब्लम है ना उसकी जड़ तुम हो, तो दूसरी तरफ दूसरा फ्रंट जो है ना वो थोड़ा सा सॉल्व हो गया है क्योंकि मीत की एज इन वाइफ मीत की सासू माँ ने एग्री कर लिया है कि उनकी बहुरानी घर से बाहर निकल कर अपना काम कर सकती है। मेरा कार्ड का है? कौन सा कार्ड? मेरा कार्ड, मेरा क्रेडिट कार्ड जो तुमने मेरे वॉलेट से निकाला और वॉलेट से निकालने के बाद अपनी गुंडा पार्टी को दे दिया, वो कार्ड कहाँ है? कल इसके पास ऑटो वाले को देने के लिए पैसे नहीं थे तो मैंने इसको 100 रुपए दिए। उसमें से शायद 20 रुपए बचे थे जो ये मुझे वापस करना चाह रही, तो मैंने इसे कहा कि वो पैसे मेरे वॉलेट में रख दे, और तब इसने मेरा क्रेडिट कार्ड मेरे वॉलेट से निकाला और वो कार्ड निकालकर अपनी गुंडा पार्टी को दे दिया, है ना? आज मुझे मैसेज आया है कि उस कार्ड से 4 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। मीत के ससुराल में तो भाई मीत वर्सेस मीत की जंग चल ही रही है। वो अलग बात है कि ये जंग कभी कभी छोटी बड़ी होती रहती है, जैसा कि आज हुआ। और कई जगह ऐसा होता है कि आप वो ट्रांजैक्शन करते हैं, आप कार्ड स्वाइप करते हैं और उसके बदले में कैश ले लेते हैं, और यही कह रहा तुमने, यही कह रहा तुमने। अब मीत के अकाउंट से कुछ पैसे गायब हो गए हैं जिसका इल्जाम मीत ने मीत पर ही लगा दिया। अब मीत भी तो तेज है, वो सफाई नहीं देगी, वो तो सीधे प्रैक्टिकल चीजें करके बताती है, जैसा कि उसने अभी बताया। अरे मान क्यों नहीं लेती तुम, इतनी बड़ी गलती, इतना घटिया वाहियात काम तुमने किया, बोलो ना। अब मीत के अकाउंट से पैसे गायब तो हुए हैं, लेकिन वो मीत ने नहीं बल्कि घर में से ही किसी और ने किया है, और देखिए इस बात को उसने चुटकियों में साबित भी कर दिया। चुटकी बोल रहा था कि मैं चोर हूँ, मैंने तेरे कार्ड से चोरी की है, तो बिना तेरे पिन जाने मैंने तेरे कार्ड से पैसे कैसे निकाले, बता। अब घर के लोग ही जब ऐसा करने लगे तो बाहर वालों से क्या उम्मीद की जाए। खैर मीत को समझ आ गया कि उसने गलत किया है, तभी तो सासू माँ जब मीत पर भड़की थी कि भाई तुम्हें काम करने नहीं दिया जाएगा, एक काम करना है तो हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से कीजिए। अब अपनी पत्नी का बचाव किया मीत ने। मामा प्लीज इसे काम करने की परमिशन दे दीजिए। मामा मेरी बात समझने की कोशिश की। अब बेटी की बात को सासू माँ कैसे मना कर सकती हैं? यानी कि अब मीत डिलीवरी बॉय का काम करेगी और एक बार फिर से वो आत्मनिर्भर बनेगी। हम दोनों माँ बेटे मिलके फालतू ऑर्डर करेंगे और उसको उसी यही डिलीवरी मंगवाएंगे और फिर रिजेक्ट कर देंगे, ये हमने बदला लेने की हमारी साजिश। मैं सबसे ज्यादा अपने बेटे मीत से प्यार करती हूँ, पति ने समझाया ना, लेकिन मेरे बीट ने कहा। समझदारी की बातें इनको लेट समझ में आती हैं, बड़ी मुश्किल से नहीं, बेटे के कहने पे ये समझदारी की बात की है ना भाई। अलावा फैमिली में ना सिर्फ औरतें ही बोलती रहती हैं, आदमी आए खड़े वहाँ पे लेकिन बोलेंगे सब औरतें, सब वही कर लेती हैं अपने साथ, और नहीं तो क्या। अब मीत ने मीत का साइड लिया है तो भाई ये बात तो पक्की है कि मीत के दिल में मीत को लेकर कुछ कुछ तो होने ही लग गया है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।